पेश है आपके सामने अब तक के मुख्य समाचार। मैलानी से बहराइच की शुरू हुई ट्रेन का संचालन, जनता में दिखा खुशी का माहौल। आमान परिवर्तन के चलते जहां मैलानी से लखनऊ तक ट्रेनों का संचालन पूर्ण रूप से स्थगित कर दिया गया था, इसी क्रम में मैलानी से बहराइच का रेल संचालन पिछले वर्ष फरवरी में स्थगित कर दिया गया था। अभी कुछ दिनों पूर्व मैलानी से लखनऊ तक ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया, जिससे आज एक पैसेंजर मैलानी से बहराइच के लिए रवाना हुई। ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों ने बताया कि ट्रेन न चलने से हम लोगों को किराया भी अधिक पे करना पड़ता था, साथ ही समय भी अधिक लगता था। साथ ही यात्रियों ने बताया कि अब हम लोग कम खर्च में व कम समय में यात्रा कर सकेंगे। जहां एक तरफ यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा, वहीं व्यापारियों व स्टेशन पर खान पान की दुकानदारों को भी रोजगार मिल सकेगा। फिलहाल ट्रेन का संचालन शुरू होने से बीरा पलिया से बहराइच तक की यात्रियों को लाभ मिल सकेगा। कहाँ के रहने वाले? मैलानी के। कहाँ जा रहे हैं आप? पलिया। अच्छा, ये लगभग एक साल के बाद अब ट्रेन चली है, आप पलिया का सफर तय करने जा रहे हैं जी, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा, बहुत अच्छा। अच्छा, किराया कम है पहले की अपेक्षा या ज्यादा है? ज्यादा है किराया। नहीं, ट्रेन में बैठ रहे थे, किराया कम लगे कम लग रहा ना? हाँ, कम तो है, बस से तो कम ही है। अच्छा, और टाइम भी कम लगेगा? टाइम भी कम लगेगा। तो आज जो ट्रेन चली है इसमें आपको कैसा अच्छा लग रहा? बहुत बढ़िया, बस से जा रहा है, इससे जा रहे ट्रेन से। चलिए, थैंक यू। आप कहाँ का सफर कर रही हैं मैलानी से? हम महीपुर बता। महीपुरवा के साथ। तो आज जो ट्रेन चल रही है इसमें किराया भी जो है बस की अपेक्षा कम है ना? हाँ। लगभग कितने पैसे कम है इसमें? ये बस में तो कभी गए नहीं, साल भर हो गए जी। और आज जा रहे थे तो शाम को हमें मालूम हुआ, हमारे लड़का ने नेट में देखा जी, आज ट्रेन चल रहे, तुम लोग ट्रेन पे चले जी, तब हम तो खुश हो गए ना जी। जी जी, तो आज जो है आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप ट्रेन में सफर कर रही हैं, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं लगभग एक साल के बाद जी, तो सबसे पहले हम आपका नाम जानेंगे। सर, मेरा नाम उत्तम बाला है। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? मैं पीलीभीत का रहने वाला हूँ जी, और पलिया में मेरी दुकान है जी। और ऐसा है कि सर, एक साल से ये जो ट्रेनें बंद थी जी, तो मुझे बहुत ही ज्यादा दिक्कतें हो रही थी सर जी। और ऐसा है कि ना टाइम से मैं लानी से मैं अप डाउन करता था, और ऐसा है कि ना मैं टाइम से पहुंच पाता था जी, ना टाइम से मैं दुकान खोल पाता था जी। और यहाँ से तिराहे पे जाने के बाद मुझे बसें मिलती थी, बहुत परेशानी होती थी जी। और उधर से रात में भी आने के लिए बहुत परेशानी होती थी सर जी। और फिलहाल ये ट्रेन चल गई और इसमें मुझे इतना खुशी हो रही है कि मुझे खुशी का कोई बहुत मतलब आपको कह नहीं सकता कि मुझे इतना फील अच्छा लग रहा है मुझे जी। क्या इसमें कुछ किराए में भी आपको है कम, किराया भी कम जी, है? बस का किराया जैसे रोडवेज का किराया यहाँ से सर 36 रुपए किराया है यहाँ से जी, और प्राइवेट बस का आपके 40 रुपए किराया है जी। फिलहाल यहाँ पहले तो ये ट्रेन का किराया यहाँ से पलिया तक का जो है आपके 10 रुपए किराया था, फिलहाल यहाँ एक्सप्रेस का किराया ली जा रही है इससे वर्तमान समय में जी जी। और मैंने वहाँ ऐसा है कि काउंटर पे हमने बात करा था, तो उनने कहा कि ऐसा है जब दूसरी ट्रेन जब चल जाएगी शायद मतलब किराया कम हो जाएगा थोड़ा, फिलहाल तभी एक्सप्रेस का किराया ली जाएगी जी। आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? आज मुझे इतना बढ़िया महसूस हो रहा है कि ऐसा है कि मैं पलिया नाइट में गुजरने वाला था, आज यहाँ से ट्रेन चलने वाली है, इसी चक्कर से मैं तुरंत चला है, मैंने कहा पहली ट्रेन से आज जाना ही आना है जी। मुझे इतना बहुत बढ़िया फील महसूस, इतना बढ़िया महसूस हो रहा है मुझे। चलिए, थैंक यू। ठीक है भाई जी, आज आप मैलानी स्टेशन पर बैठे हैं ट्रेन में जी, और आप कहाँ तक का यात्रा कर रहे हैं? पलिया तक। क्या नाम है आपका? राजू। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैलानी के। अच्छा, आप पलिया जा रहे हैं। आज कितना भाड़ा आपसे टिकट का लिया गया? 30 रुपए। और बस का किराया कितना है? 40। चलो, और समय का भी फर्क है, 30 रुपए लिया गया है और बस में आप 40 रुपए। एक साल से ट्रेन बंद थी, आपको क्या दिक्कतें हो रही थी? बहुत दिक्कतें हो रही थी। जैसे कि कुछ दिक्कत बताएंगे? दिक्कत क्या, हम लोग काम करते हैं पलिया जी, तो बहुत दिक्कत हो रही थी काम की जी जी, और इससे बड़ी दिक्कतें होती है। आज आप जब इस पर सफर कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। जब ट्रेन चलती रहेगी, और इस समय जब ट्रेन नहीं चल रही थी तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू। मैलानी से पलिया बहराइच के लिए आप जा रहे हैं, हम आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है सर? सर, मैलानी से और आज बहराइच तक का सफर कर रहे हैं, और पहले 16 फरवरी को ट्रेन बंद हुई थी, आज संचालन हुआ है, तो सर इस संबंध में क्या बता रहे हैं आप?
जी जी कितनी गाड़ियाँ चल रही है इस रोड पे? आज पहली गाड़ी जा रही है और आज वापसी भी एक ही गाड़ी की होगी? आज वापसी भी एक ही गाड़ी की। जी जी, तो कैसा महसूस हो रहा है आज जो है इस रोड पे? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। हम मैलानी जंक्शन पर खड़े हैं और बड़ी खुशी की बात यहाँ पर यात्रियों में भी देखने मिल रही है और हमारे यहाँ पर रेलवे कर्मचारी खड़े हैं, इनसे भी हम बात की है तो बड़ी खुशी नजर आ रही है क्योंकि 16 आमान परिवर्तन के चलते 16 फरवरी 2020 को मैलानी से बहराइच रूट का ट्रेन का संचालन पूर्ण रूप से स्थगित कर दिया गया था, परंतु आज फिर से आज 7 मार्च 2021 से मैलानी से बहराइच के लिए ट्रेन का संचालन पुनः शुरू कर दिया गया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि यात्री भी काफ़ी मात्रा में खुश हैं और उनका कहना है कि इसमें किराए में भी हमें किराए वगैरह कम भी हो रहा है और समय भी कम भी हो रहा है। इस ट्रेन से चलने में एक बार क्षेत्रवासियों में और जनता में काफ़ी खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान न्यूज़ 24, जिला ब्यूरो चीफ लक्ष्मीकांत गुप्ता।